विचारों का समंदर है उसके मन में, और वही चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी है। कैसा है ये किसी ने पूछा ही नहीं उसे, और उसकी मुस्कान का सच किसी ने जाना भी नहीं। सपने तो किसी के नहीं होते, उन्हें अपना बनाना पड़ता है। वो कहते हैं ना, हर सफर में सवारी मिल ही जाती है साथ में। तो कुछ ऐसी ही मुसाफिरों से मिलकर शुरू होता है हमारा कारवां। दोस्ती भी ऐसी कि अगर किसी के मम्मी ने लड्डू भेजे हैं, तो दोस्त तो सारे बिन बुलाए मेहमान की तरह आ ही जाते हैं। इन्हें देखिए, ये नवाब तैयार तो ऐसे हो रहे हैं जैसे अभी ही डॉक्टर बन गए हैं। इन्हें कौन बताए कि अभी तो सफर शुरू हुआ है, हिंदी वाला नहीं अंग्रेजी वाला सफर। और डिसेक्शन हॉल का तो क्या कहना, यहाँ के दिन पूरे MBBS के सबसे यादगार दिन रहे हैं।
यूं ही नहीं इसे यूजी का टिंडर कहा करते हैं। यहाँ क्लिनिकल स्किल्स सीखने के लिए लड़कों को शर्ट निकालकर सब्जेक्ट बनना पड़ता है। सुनो ना, तुम में से कोई आ सकता है क्या क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए? हम तीनों लड़कियाँ ही हैं, प्लीज। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, यहाँ भी लड़का ही कुर्बानी दे रहा है। सुनना, थोड़ा ब्लड मिलेगा क्या? बात बात पे घबराए, दिल पे रख के हाथ उसे तू फुसला ले, दिल इडियट है प्यार से उस... अरे फील्डिंग लगी हुई है, ये किस लिए है? अरे हाँ, याद आया, आज तो पीसीटी है, शायद ये किसी को टेस्ट नहीं देने देंगे ये हट्टे कट्टे मुस्तंडे। ऐसे फील्डिंग के बावजूद भी एक आधा कैच तो छूट ही जाता है भैया। हमारे हर एग्जाम्स के पास होने में सबसे बड़ा हाथ हमारे सीनियर्स का होता है, जो कि एक रात में किसी मसीहा की तरह आते हैं और पास करवा देते हैं। एग्जाम्स में तो हालत ही हो जाती है, कुछ आए या ना आए, पेपर खाली ना जाए। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। ये वाइवा रूम है, जहां रूम के बाहर तो लोग लास्ट मोमेंट तक पढ़ाई करेंगे, मगर अंदर जाकर सॉरी ही बोलेंगे। यस, व्हाट हैव यू स्टडीड? स्कैपुला सर। कीप दैट बुक, कीप, पिक अप दैट फर्स्ट बुक। व्हाट इज दिस? This is bone, ma'am. Which bone? This is long bone, ma'am. Which side? This is left side humerus. What? Are you sure?
Yes, sir. Keep it. What is the difference between these two bones? Sir, this bone has scapular foramen. That bone? Sir, that bone doesn't have. Show me. Okay, tell me, what stuff just passes through that foramen? Sorry. Keep it. Okay. Take this one. Which is this bone? Sacrum. This side? तो ये थे हमारे किस्से जिनसे मिलकर हमारा कारवा अब फर्स्ट ईयर से आगे बढ़ता है। और चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ की कुछ भयानक तस्वीरें सामने आई। महाराष्ट्र के सांगली में तो करीब 15 फीट तक पानी भरा हुआ है, लिहाजा हजारों लोग इमारतों में फंसे हुए हैं। Ma'am, this is a specimen of Tess appendix. Tess appendix? Is that a new organ? Sorry. You, what specimen is this? This is brain. No, that's how you start? No. You, explain this specimen. Kidney? No, ma'am, sorry. It's liver. Good, go on. It's measuring its sizes of this by this by this. That's how you measure the size of the specimen? माइक्रो में स्टेनिंग मतलब जैसे कि हम मेडिकोज की होली जैसे है। यहाँ ग्राम जेडन स्टेन से हाथ तो कभी कभी चेहरे भी रंग जाते हैं। रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। लॉकडाउन लगते ही पूरा देश घर पर आराम और हम पढ़ाई कर रहे थे। ऐसे में अगर इस तरह के नारे टीवी पर सुने तो पूरी पढ़ाई वेस्ट लगती है। लॉकडाउन की एक अच्छी बात तो हमने भी उठाई थी। अरे अरे बस ना। कसा आहेस तू? अरे ठीक आहे, लॉकडाऊन चालू ना। मग आता कोण कुठच्या इयरला? सेकंड इयरला। अरे आम्ही सेकंड इयरलाच आहेस का? कधी पण सेकंड इयर चालू तुझं? अरे ऑलरेडी 1.5 वर्ष सेकंड इयर असते एमबीबीएस मध्ये, तर परत कोविडचं डिले, थोडा डिले होणार आहे। बट ते सोड, कोविड वगैरेची काही ट्रीटमेंट निघाली का रे? प्रोसेस आहे, वेळ लागणार, थोडं स्टँडर्डायझेशन असतं, हळूहळू येईल ना, एका रात्रीत नाही होणार। किती वेळ? हा ना किती तू तुम्ही वेळ आणतो? तसे आमच्या गल्लीतले बाबा बरे एका दिवसाचं कोविड गायब करून टाकतात, मस्त एक अंगार देतात, एक अंगार लावलाय, फोन कर मारली, झालं कोविड गायब। बाबा येणार आहे का रात्री शिफ्ट करायला? मला सांग, 10 वर्षाचं MBBS, 1 वर्षाचं पुन्हा SR-शिफ्ट, एवढं 10-11 वर्ष देत आहे, नाही ना होणार रे? एका रात्री दोन रुपये गोष्ट नाही, हळूहळू तुम्हाला सगळ्या गोष्टी भेटतील ना, थोडं वाट बघण्याची गोष्ट। जोपर्यंत स्टँडर्ड प्रोटोकॉल दिले ते फॉलो करा ना तुम्ही। बाबा अशा गोष्टीच्या नादानेच आपला कोविड रेटचा मॉर्टॅलिटी रेट वाढतो, माहिती आहे का? जरा जे प्रिकॉशन दिले तेवढे काळजी घ्या ना, काळजीने वापरा ना थोडे। ए पोरांनो, एक्झाम पोस्टपोन झाली रे। अरे सोडा अभ्यास, एक्झाम पुन्हा पोस्टपोन झाली। अरे भाई काय परत एक्झाम पोस्टपोन झाली? राडेच्या परत एक्झाम पोस्टपोन केली त्याने।
किस बच्चों वाले सामने तू मोड़ दे उसका बंदा रे किस बच्चों वाले सामने तू मोड़ दे उसका बंदा रे चल मोड़ दे उसका बंदा रे है तू दिखला दे जिंदा है तू बाकी है तुझ में हौसला जियो खिलाड़ी वाहे वाहे जियो खिलाड़ी वाहे वाहे ओ अड़े पड़े देख घुमा के आरे पारे देख घुमा के गुत्थी गुत्थम देख घुमा के अड़चन खड़चन देख घुमा के छूटा हौसला बदल फैसला बना ले तू बिंदास काफिला खेल जमा ले कसम उठा ले बजा के चुटकी धूल चटा दे घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के जियो खिलाड़ी बाहे बाहे घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के जियो खिलाड़ी बाहे बाहे प्रेशर कुकर जैसे सर की बज जाए ना सीटी तब तक मार रट्टा मार हो पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार रट्टा मार रट्टा मार चढ़ जाए जो बुखार कॉफी से तू उतार खिस खिस के भेजा कर ले तेज धार यार रट्टा मार ओ रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार ओ भूल जाए एवरेस्ट चढ़ जा तू किताबों के पहाड़ 100 बार रट्टा मार ओ टकपक टकपक ब्रेन को तोड़ा उसको चाबुक मार जोरदार रट्टा मार डर के मिलेगा क्या लेगा क्या तू उखाड़ कट कट के पीछा टॉनिक जीत का यार रट्टा मार की राह में चलना चलना सी इश्क की चाह में जलना सी मैन विल बी मैन हे बाकी सब ठीक बस चल रहा है बाकी सब ठीक बस चल रहा है बाकी सब ठीक है ना बस चल रहा है भाई व्हाट अबाउट यू हाँ चल रहा है बाकी सब ठीक बस चल रहा है बाकी सब ठीक
बस चल रहा है, बाकी सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। और तेरा? बस चल रहा है। चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, देखो पकड़ो यारो घड़ी के कांटे भागे। एक कहानी खत्म तो दूजी शुरू हो गई मामो। सुबह हो गई मामू मामू मामू, सुबह हो गई मामू मामू मामू, सुबह हो गई मामू मामू रे मामू। चंद अरे हेलो, नानावती हॉस्पिटल आ रहा हूँ, लीलावती हॉस्पिटल जा रहा हूँ, केजे हॉस्पिटल आ रहा हूँ, मेरे बाप अरे माय नेम माहिती नहीं का है मुन्ना भाई MBBS मुन्ना भाई बॉस सगळं मी प्लॅनिंग करून आलोय, प्लॅन ठरवलाय, को इंटेंट ठरवलंय, सगळं सांगली मिरज नीट ठरवावं लागतं, ठरवलंच का नाही ते? खरंच एवढं करावं लागतं, सगळं काय लागतं, पूर्ण स्ट्रॅटेजी करून यायला लागते, पूर्ण प्लॅन करून यायला लागतं, त्याशिवाय तर काय नाही मिळेल। जाऊ दे आता, मी काय केलं नाही, बघू जे होईल ते होईल। रामवर चिराग, अगले एक साल का इंटर्नशिप सिर्फ चिट्स पर तय कर दिया गया था। हमें लग रहा था हम प्लानिंग करके जा रहे हैं, किसी को क्या मालूम था कि डिपार्टमेंट हमसे ज्यादा स्कीम करके बैठी थी। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल। यस मिरज कुठे बैठल सांगली जाऊ दे, काय बसतो सांगली आपली सांगली। शुरू में तो हमें काम का तो कोई आइडिया ही नहीं था। दादा मी तुम्हाला चेक करतो। क्या सुनाई दे? मलमल है, उसका दिल दाई के तरफ है, डेस्को खा दिए पेशेंट को, ये चेक किया तुमने? मॅम नवीन इंटर्न। नाव काय तुझं? राम भले। अच्छा राम, ऐक बघ, बेड नंबर 2 च फोलिस चेंज करायचं आहे, बेड नंबर 4 च ऑल आर पाठव, आणि बेड नंबर ऑल आर म्हणजे काय? ऑल आर म्हणजे सीबीसी आरएफटी एलएफटी पीटीआय एन आर सीएमए रेक्टलाइट्स, आणि बेड नंबर 6 च जेलको चेंज कर, आणि जे सगळे आजचे पाठवण्याचा रिपोर्ट ते सगळे ट्रेस कर एक वाजता, ठीक आहे? मगर इसी बीच हमें ऐसे भी जीआर मिले जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया और जिंदगी भर के यार बन गए। मैं मला पहिला दिवस आहे आज, मला काय घेत नाही। ओके मी सांगते तुला इकडे। हे बघ इकडे सगळे सिरिंजेस असतात, ओके, ज्या 10 cc सिरिंजेस, दीज आर 5 cc सिरिंजेस, इकडे जेलकोज आहेत, ओके, यु विल फाइंड एव्हरीथिंग दैट यू नीड हियर। अँड त्याच्यानंतर इकडे ग्लव्ज आहे, मेक शुअर यू वेअर ग्लव्ज बिफोर एनी प्रोसिजर, ओके, आणि इकडे नीडल्स आहेत, पोलीस चेंज करायचं असेल तर पोलीस सगळे इकडे, ओके, काही गरज लागली ना मला। बेड नंबर 7 चा ऑर्डर पाठवला, ऑलरेडी डन। आशा है, आशा है।
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार, आशाएं तूफानों को चीर के, मंजिलों को छीन ले, तो सबको लगता है मेल रेसिडेंट एंड फीमेल इंटर्न के किस्सों पर होता है, बट ये डिपार्टमेंट भी मेल इंटर्न के बिना बहुत अधूरा लगता है। इंटर्न खींचो खींचो, ऐसे नहीं, मुझे मेरा इंटर्न चाहिए। इंटर्न ये देखिए, ये कैसे थट बट के ड्यूटी पर जा रहा है। कड़क स्त्री बाल सेट। प्रभु हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अरे रे, ये क्या, ड्यूटी खत्म होते ही इनका तो हाल ही बेहाल हो गया। अब इन्हें सिर्फ नींद की जरूरत है भाई। सांगली की कैजुअल्टी इंटर्न की कहानी जुबानी बताना मुश्किल है, देखकर रहते हैं अकेले क्या क्या कर रहा है। ओ माय गॉड, लग गई, क्या से क्या हुआ, देखा तो कटोरा, झांका तो कुआ, तुम पकड़ा तो निकला काला दाग, 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 भाग, 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 डीके बोस, डीके बोस, डीके बोस, भाग, भाग, डीके बोस, डीके भाग, 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 डीके बोस, डीके बोस, डीके बोस, भाग, भाग, डीके बोस, डीके भाग, अभी आई, अभी आई, अभी आई, अभी आई, भाग, भाग, डीके बोस, डीके भाग, 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 डीके बोस, डीके बोस, डीके बोस, अभी आई। सलामी बल्लेबाज फील्ड पर आते हुए, युवा चेहरा, तजुर्बे की कमी, मगर दमखम की कमी नहीं है इनमें। पूरे आत्मविश्वास के साथ क्रीज पर आए जरूर है। मैच की पहली गेंद सीमा रेखा के पार मारने का प्रयास पर क्लीन बोल्ड। अगले बल्लेबाज तजुर्बे से लैस, हर ऑन कॉल पर 16 इंडोर की औसत लेकर क्रीज पर, पहली गेंद सटीक निशाना, लाजवाब कनेक्शन और गेंद सीमा रेखा के बाहर। यार 24 घंटे काम करके 20 इंडोर, 16 ईसीजी, 23 सैम्पलिंग, 4 बीटी लगाए और अब ये अगला इंटर्न पता नहीं मुझे कब रिलीव करेगा। आ गया क्या? शह, नहीं शायद।
चोरी करना एक स्किल है और एक इंटर्न उस स्किल में माहिर है। हेलो हाँ आ रहा हूँ ना, 2 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ आया 2 मिनट। तुला 8 वाजल्यापासून कॉल करते, 9:15 तुला यायचं आहे की नाही, की एक्सटेन्शन पाहिजे? हा मॅम, येतोय 2 मिनिटात येतोय, पार्किंगमध्येच आहे। हा आहे, काय म्हणा, मॅम एक चहा द्या। प्रियांका इसका
eternity later. ये तो अपनी उपजाए की जा रहे गाना मत सुन सुन यार ये तो गया चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम चली सवारी कंधों पे जिम्मेदारी हाथ में फाइल मन में दम मीलों मील चलेंगे हम हर मुश्किल से टकराएंगे टस से मस ना होंगे हम दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो कोई साज है हर काम को टाला करते हैं ये सपने पाला करते हैं MBBS के बाद आगे PG किस ब्रांच में करूं OBGY नहीं नहीं बहुत टॉक्सिक होगा सर्जरी वो तो बहुत सिर दर्द वाली ब्रांच है पीडियाट्रिक्स हाँ ये सही रहेगा कुछ ना सही बच्चे क्यूट तो बहुत होते हैं डॉक्टर आमच्या पेशंटची कंडिशन कशी आहे सध्या तरी स्टेबल आहे हो नक्की बरे होतील तपासणी केल्यात आम्ही सगळ्या आम्ही सगळे औषध वगैरे सुरू केले तर काय हो नक्की सांगा मी तुम्हाला जे काय असेल त्या तुम्हाला हो नक्की बरे
साढ़े 5 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला कि मैं कब इस काबिल भी बन गया हूँ। वो हॉस्टल की यादें, पैथों की कंफ्यूजिंग स्लाइड, माइनर की चिल लाइफ और मेजर में की हुई पढ़ाई, और पिछले साल से ना जाने कितने ही लोगों के सिर्फ खून निकाले, वार्ड और लैब्स के बीच मैराथन किया, सीनियर की डांट खाई, मगर आज ये सब सफल सा लग रहा है। शायद ऐसी ही कठिनाइयों से भरा था हमारा कारवां। जाति धर्म कभी हमने पूछा क्या, अच्छाई की राह पर कभी चूका क्या, खून जो है हमारे इतने बहे, मरहम से भी अब ये ना रुके। बताओ तो गलत कहाँ हुए हम, हाथ उठा रहे हो तो सही होंगे ना तुम, कहाँ गए भगवान के वो दर्जे, हमें मारने का पाप अब तुम्हारे सर जो सजे। ये कैसी दुविधा कि आवाज़ के साथ हक भी दबा रहे हो, सिस्टम डॉक्टर दवाइयों का खुले में मजाक उड़ा रहे हो, हम कल के भोज आज का चोट लिए, सबकी सोच सुधारने का अब काम लिए, भगवान का नहीं अब इंसान का दर्जा चाहिए, कुछ गलत होते वक्त आप सबका साथ चाहिए।